हेलो दोस्तों, आपका योगेश अकेडमी स्वागत है। आज के स्टूडियो हम देखने वाले हैं RIT इस्लामपुर के बारे में, जिसका पूरा नाम राजा राम बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारा राजा राम नगर में है। तो आज के स्टूडियो में इस कॉलेज के रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, जिसमें आपको कॉलेज की रैंक, कॉलेज का ग्रेड, कॉलेज का लोकेशन वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा। सेकंड नंबर हम देख लेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट या सीट मैट्रिक्स के बारे में, टोटल कितनी ब्रांचेस है इस कॉलेज में, कॉलेज हमें कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है, हर एक ब्रांच में कितनी इंटेक कैपेसिटी है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे हम MSCCT एंड JEE मेंस का कट ऑफ देख लेंगे, जो कि लास्ट ईयर का है। हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेंगे, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी। फोर्थ नंबर हम कॉलेज का फीस देख लेंगे, सेम हर एक कैटेगरी के हिसाब से। पांचवें नंबर पर कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेंगे, फीस वगैरह क्या है कॉलेज के हॉस्टल के बारे में। और छठे नंबर पर हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे देख लेंगे एकेडमिक ईयर के हिसाब से कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, टोटल कितनी कंपनी आती है इस कॉलेज में और कितना ऑफर मिलता है इस कॉलेज में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉलेज के हमें दो दो इमेजेस दी गई है और कॉलेज का लोगो दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो लगभग आज से इस कॉलेज को कंप्लीट 40 ईयर्स हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट नेम के बारे में बात करेंगे तो हमारे कॉलेज का जो पूरा नाम है राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम RIT इस्लामपुर के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो कॉलेज हमारा RIT राजा राम नगर, तालुका वालवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली, MH 415414 में आ जाता है। हम कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो कॉलेज हमारा प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेज है, जो कि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली की तरफ से, रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, एंड अफिलेटेड बाय शिवाजी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि हमारा कोल्हापुर में है। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.RITIndia.education। तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कॉलेज की जो ऑल इंडिया रैंक है 250 से लेकर 300 के बीच में रहती है। कॉलेज से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है हमारा कोल्हापुर एयरपोर्ट है, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पे। कॉलेज से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हमारा 12 किलोमीटर की दूरी पे। और कॉलेज से जो नियरेस्ट बस स्टैंड हमारा इस्लामपुर का, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे। कॉलेज का DT कोड 6214 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट या कॉलेज कोड भी कहते हैं। अब हम कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज हमें BTech की डिग्री प्रोवाइड करता है। BTech मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप BTech में यहाँ पर देख सकते हो हमें 10 ब्रांचेस देखने मिल जाती हैं। एक आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, फिर यहाँ पे आप ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, फिर आपका मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखने मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जो कि आपका AIML के ऊपर है। फिर आपका फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट देखने मिल जाता है। हर एक की आप इंटेक कैपेसिटी भी यहाँ पे देख सकते हो। सिविल के लिए 60 की है, CS की यहाँ पे 120 की है, फिर CSIT की आप देख सकते हो 60 की है, इलेक्ट्रिकल की 60 की है, यहाँ पे ENTC की 60 की है, मैकेनिकल की 120 की है, बाकी आप देख सकते हो AIML की यहाँ पे 60 की है। टोटल BTech में आपको यहाँ पे 690 सीटें देखने मिल जाती हैं। आप इस कॉलेज में MTech भी कर सकते हो BTech के बाद। MTech में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे भी 11 ब्रांचेस देखने मिल जाती है। आप पहला था आपका ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इसमें 12 की इंटेक कैपेसिटी है, फिर आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मिल जाता है, 18 की कैपेसिटी है। उसी तरह बाकी ब्रांचेस भी देख सकते हो। तो मतलब टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी कितने की है। आप यहाँ पे MBA भी कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी देख सकते हो 120 की है यहाँ पे। अब मेन आता है हमारा कट ऑफ। तो यहाँ पे MSCCT एंड JEE मेंस का लास्ट ईयर का कट ऑफ दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर आप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो हर एक ब्रांच मेंशन की गई है और ऊपर यहाँ पे कैटेगरी मेंशन की गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी सीट है यहाँ पे तीन टाइप में डिवाइड है। एक आपका जर्नल सीट है, जिसमें पूरी कैटेगरी आ जाती है, फिर आपका स्टेट लेवल सीट है, और आपकी ऑल इंडिया सीट है। ऑल इंडिया सीट मतलब जिसमें आप JEE के थ्रू एडमिशन लेते हो। स्टेट लेवल की सीट में आपका EWS और TWS आ जाता है, और जर्नल सीट में यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो गया, OBC हो गया, VJDT हो गया, NT1, NT2, NT3, बाद में ST, और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हर एक ब्रांच के हिसाब से आप कट ऑफ देख सकते हो। तो सबसे पहले हम सिविल डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो ओपन का जो यहाँ पे कट ऑफ गया है 28% आ गया था, OBC के लिए यहाँ पे 9% आ गया था, VJDT के लिए 12% आ गया था, NT1 के लिए यहाँ पे 35% आ गया था, NT2 के लिए यहाँ पे 9% आ गया था, NT3 की सीट यहाँ पे वैकेंट थी, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 8% आ गया था, ST कैटेगरी की भी सीट यहाँ पे वैकेंट थी, EWS के लिए 61% आया था, TWS का देख सकते हो 80% आ गया था, JEE मेंस का यहाँ पे सीट वैकेंट था। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो TWS का जो कट ऑफ है हर ब्रांच के लिए ज़्यादा है, क्योंकि TWS में क्या होता है आपकी जो ट्यूशन फीस होती है 100% ऑफ हो जाती है। जैसे कि आप अगर आपका जो फीस है अगर 1.5 लाख के आसपास है, तो आपको टोटल फीस जो भरनी पड़ेगी 25 से 30 हज़ार के बीच में भरनी पड़ती है।
और मेन ये उनके लिए है मतलब जिनकी फ़ीस पूरी भरनी पड़ती है, जैसे ओपन हो गया, बाद में ओबीसी हो गया, क्योंकि इनको जो ट्यूशन फ़ीस है 50% या 100% भरनी पड़ती है। लेकिन TRWS में दोनों ऑफ हो जाती है। बाकी जो अदर कैटेगरी है NT1, NT2, NT3 तो इनको ऑलरेडी 100% ऑफ ही है फ़ीस। सेम उसी तरह आप कॉम्स का भी यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, तो ओपन के लिए 92% आए ले, ओबीसी के लिए 91% आए ले, VJDT के लिए यहाँ पे 88% आए ले, NT1 के लिए 90% आए ले, NT2 के लिए 92% आए गया था, NT3 के लिए यहाँ पे 80% आ गया था, ST कैटेगरी के लिए 86 गया था और ST के लिए यहाँ पे 51 गया था। सेम आप स्टेट लेवल के लिए यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो EWS का 94 और TRWS का यहाँ पे 96 है और JEE Mains के लिए 85% आ गया है। बाकी आप देख सकते हो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में यहाँ पे पूरी सीट वैकेंट है और यहाँ पे TRWS की सीट नहीं है। बाकी अदर ब्रांचेस भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल का भी सेम कट ऑफ, ओपन के लिए 72% आ गया था, ओबीसी के लिए 45 गया था, VJDT NT1 दोनों की सीट खाली थी, फिर NT2 का 71 गया था, NT3 की भी सीट खाली थी, यहाँ पे ST की भी सीट खाली थी, ST का यहाँ पे 70% आ गया था, TRWS के लिए यहाँ पे 79% डाल गया था, TRWS के लिए यहाँ पे 87% डाल गया था। बाकी ब्रांचेस का देखोगे जैसे ENTC हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो उसका जो ओपन का कट ऑफ है यहाँ पे 86% डाल गया। फिर यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, उसकी पूरी सीट वैकेंट थी, खाली TRWS का देख सकते हो आपका 50% डाल कट ऑफ गया है। फिर यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कट ऑफ है CSIT का, उसका जो ओपन द कट ऑफ आप देख सकते हो 92% आए ले, ओबीसी के लिए 90% आए ले, मैकेनिकल का यहाँ पे देखोगे तो ओपन के लिए 26% आए ले और मैकेट्रॉनिक्स का 4% आ गया ओपन का। बाद में जो न्यू ब्रांच आई है इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपका AIML के ऊपर है, मशीन लर्निंग के ऊपर, तो उसका जो ओपन द कट ऑफ है 89% आए ले, ओबीसी के लिए भी सेम 85% आए ले। फिर यहाँ पे जो TRWS का कट ऑफ देखोगे तो 92% आए ले और EWS के लिए यहाँ पे 91% आए ले। तो ओवरऑल आप देख सकते हो आपके परसेंटाइल के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉलेज की फ़ीस देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज की जहाँ पे ट्यूशन फ़ीस है 121,000 दी गई है, कॉलेज की डेवलपमेंट फ़ीस यहाँ पे 18,000 है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो अदर फीस है आपकी 7,000 है, तो टोटल जो आपकी फ़ीस होती है यहाँ पे 147,000 होती है। हर एक कैटेगरी के हिसाब से देखोगे तो ओपन की यहाँ पे फीस 147,000, CST की यहाँ पे आपकी 7,900 दी गई है, फिर VJDT, NT1, 2, 3, SBC की जो यहाँ पे फीस है 26,000 दी गई है, OBC, EWS और EBC की फीस यहाँ पे 87,000 और TRWS की फीस आपकी 26,000 है। अब हम कॉलेज से हॉस्टल के बारे में बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस कॉलेज में गर्ल्स बॉयज़ दोनों हॉस्टल मिल जाता है कैंपस में ही। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नंबर दिया गया है हॉस्टल वाले लोग का, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके और जानकारी ले सकते हो हॉस्टल से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप हॉस्टल की फ़ीस देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दो टाइप के रूम्स मिल जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। यहाँ पे जो बॉयज़ हॉस्टल है आप देख सकते हो, जो उसकी फ़ीस है यहाँ पे 25,000 दी गई है, तो जो आपका फॉर्म का फ़ीस है 50 रुपीज़ दी गई है, मेडिकल फ़ीस यहाँ पे आपका 200 है, तो टोटल देखोगे तो आपकी 26,000 ऐसे हो जाती है फ़ीस, और जो डिपॉजिट है आपका 5,000 है, तो टोटल आपकी जो फ़ीस है यहाँ पे 31,000 दी गई है। अब हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें 2022-23 की बैच का यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो 2022-23 की बैच का अगर यहाँ पे आप देखोगे 664 से भी ज़्यादा यहाँ पे ऑफर मिले थे, टोटल आप देख सकते हो 50+ कंपनी आई थी यहाँ पे। जो कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है 4.2 LPA है और कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है 7.2 LPA है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे कुछ कंपनी के नाम भी मेंशन किए गए हैं, ये सब कंपनी आती है इस कॉलेज में। तो ओवरऑल देखोगे तो एवरेज कॉलेज, अगर आप सांगली में रहते हो तो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।